इंदौर के चंदन नगर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपियों में से एक जावेद खान कोरोना पॉजिटिव निकला। जावेद और उसके एक अन्य साथी को पिछले दिनों जबलपुर के केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया था। इंदौर के टारपट्टी बाखर इलाके में रहने वाले आरोपी जावेद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पिछले दिनों इंदौर के स्वास्थ्य कर्मियों पर जानलेवा हमला बोला था, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने कई हमलावरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की थी। जबलपुर ICMR में आज सैंपल की जाँच में जावेद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जावेद में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिलने के बाद जबलपुर की केंद्रीय जेल में हड़कंप मच गया है और तत्काल एहतियात कदम उठाना शुरू कर दिया है। विक्टोरिया से सुबह की शिफ्ट में 7 सैंपल भेजे गए, 8 मेडिकल कॉलेज से भी भेजे गए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अन्य जिलों के भी सैंपल भेजे जाते हैं, तो हो सकता है अन्य जिलों के हों जो भी संभावित हो। एक कल एक जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, वो इंदौर के NSA कैदी है एक, जिनका NSA हुआ था इंदौर से, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उनको कैदी हैं उनको, इसलिए उनका भी अब इलाज करना पड़ेगा। 4 लोग कैदी आए थे NSA में इंदौर से, जबलपुर सेंट्रल जेल के लिए उन्होंने भेजे थे और उनका टेस्ट कराया तो 3 की नेगेटिव आई है, 1 की पॉजिटिव आई है। 3 को जेल भेजा जा रहा है सेंट्रल जेल, लेकिन उनको अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, निगरानी रखी जाएगी, और जिनका पॉजिटिव आया है वो मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज होगा सुरक्षा के साथ। हम लोगों ने ऊपर भी ये चर्चा करके बताया है, अवगत कराया है वरिष्ठ अधिकारियों को कि आगे से इंदौर से या भोपाल से जहाँ ज़्यादा स्थिति उस तरह की है वहाँ से कैदियों को सेंट्रल जेल हमारे यहाँ अभी ना भेजा जाए, क्योंकि इससे जो भी लोग आ रहे हैं उनके साथ जो भी प्रहरी आ रहे हैं, पुलिस है, जेल का स्टाफ है, स्वास्थ्य अमला है, सबको प्रभावित होने की संभावना है। तो ये हमने आग्रह किया है और ये वरिष्ठ अधिकारियों को बताया भी गया है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।